फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, जो कि एक लर्निंग चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है हम डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियोस डालते हैं। कुछ शेयर के भी एनालिसिस, शेयर जो है एनालिसिस करते हैं। कुछ मल्टीबैगर्स जो होते हैं उनकी भी एनालिसिस करते हैं। कभी कभी हम लाइव भी करते हैं। तो आप यहाँ पे आके एजुकेशनल कंटेंट जो है आपको ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा हेल्प हो सकता है इसमें से। तो अभी तक अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हो या पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो ये मेरा चैनल का इंटरफेस है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो जैसे कोई नई वीडियो आती है, चाहे वो एनालिसिस वीडियो हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक्स का वीडियो हो, चाहे एनालिसिस मल्टीबैगर का हो, तो इसका आपको फ़ायदा हो सके। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ कॉल्स दिए थे, जो फ़ायदा आप भी उठा सकते हो। तो ये वाला जो था 21,600 का पी निफ्टी का मैंने दिया था, फिर 65 से लेकर 70 रुपीज़ जिसका बाइंग प्राइस मैंने दिया था, तो इसने लगभग 100 रुपीज़ का हाई लगाया। और दूसरा जो ट्रेड था, ये 21,550 का मैंने दिया था, 45 से लेके 50 रुपीज़ जिसका बाइंग मैंने लेवल दिया था, जो 86 का हाई लगा चुका था, जो श्योर शॉर्ट कॉल था हमारा। और एक BTST ये भी दिया था मैंने 2:37 पे। 21,450 का पी मैंने दिया था 30 रुपीज़ का, जिसने हाई लगाया है 43 का, और क्लोजिंग जो है लगभग उसका 32 रुपीज़ पे हुआ है। तो ये BTST ट्रेड हमने दिया है। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया है मैंने। तो चलिए, कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो एनालिसिस कर लेते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है, आज निफ्टी ने क्या किया और कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि कल मैंने एनालिसिस वीडियो में बोला था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करेगा और ये वाला जो लेवल है जो कि 630 का है, ये अगर ब्रेक करता है तो हमें ये वाले टारगेट देखने मिल सकते हैं, जो कि हमें सुबह ही मिल चुका था। इसी को देख के मैंने ये वाला ट्रेड दिया था, जो पी का मैंने दिया था 21,600 का जो टारगेट था, ये बहुत ही जल्दी अचीव हुआ था। और उसके बाद में ये सेकंड टारगेट भी हमारा अचीव हुआ है 21,554 का। हालांकि उसके भी नीचे मार्केट गया है, थर्ड टारगेट भी हमारा ये आ चुका था 21,530 का। यहाँ से मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश को, और जब मार्केट ने यहाँ से फिर से ब्रेक कर रहा था, तो मैंने ये BTST वाला ट्रेड इस किसी पॉइंट पे मैंने दिया था। तो हमें निफ्टी का जो है क्लोजिंग थोड़ा सा वीक मिला है, तो कल के दिन में हमें देखने को मिल सकता है ये वाला लेवल जो है 21,456 का। ये जो गैप रीजन पेंडिंग है अभी, गैप फिलिंग, ये देखने हमें मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग थोड़ा सा अच्छा मिला है। तो अभी ये जो 21,500 का जो ये जो लेवल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और ये मार्केट ने पीछे अगर देखेंगे आप, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 500 का। ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने बार बार बाउंस किया है, तो ये वाला लेवल जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है कल के लिए। अगर हमें डेली कैंडल में डेली क्लोजिंग अगर 500 के नीचे मिलती है, तो हमें डाउनसाइड के भी कुछ मूव्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, आपके पास डाउनसाइड लेवल है, और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो हम लाइव मार्केट में भी अपडेट देते रहते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ऊपर वाले भी लेवल ये जो है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, ये डाउनसाइड के लेवल तो मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। अगर लॉन्ग्स अगर हमें करना है, तो लॉन्ग्स 600 के ऊपर ही बनेगा, 21,600 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। उसके अलावा हमें लॉन्ग का कोई यहाँ पे चांस नहीं दिख रहा है। तो 21,600 के ऊपर हमारा लॉन्ग रहेगा, जिसका 633 का ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है 630 के ऊपर, तो 700 का हम एक टारगेट देख सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके
ऊपर निकलता है तो, और अगर मार्केट सीधे ही 630 के आसपास या 700 अगर कैप अप ओपन होता है तो ऊपर की साइड में ये वाले टारगेट हमारे होने वाले हैं, जो कि हमें लेके जाएगा 21,750। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, 21,800 ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। और ये जो हाई है ये हमारा, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करेगा तो 21,900 का ही आप पकड़ के चलिए, ये टारगेट हमारे आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो कल ओपनिंग कहाँ होती है, ये एनईएफटी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है और निफ्टी ने क्लोजिंग हमें थोड़ा सा नेगेटिव दी है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी मैंने ये लेवल्स जो है प्रोवाइड किए हुए थे। तो बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे, ये 5 मिनट चार्ट है, यहाँ पे मैंने कल भी क्लियरली बोला था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये वाले टारगेट हो सकते हैं। अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो 47,585 80 का जो है ये लेवल हमने दिया हुआ था, ये फर्स्ट टारगेट, और 47,450 ये सेकंड टारगेट, जो कि थोड़ा सा उससे पहले मार्केट पलट गया यहाँ से 480 का। यहाँ से मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी, मतलब अच्छी ये क्लोजिंग है। हालांकि ये ओपनिंग से नीचे ही है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने मिली है। तो अगर हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो है अगर लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी में 48,000 के ऊपर ही बाय बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे पोजीशन लेंगे तो यहाँ पे रिजेक्शन है मार्केट के पास 48,000 का, तो एक छोटी सी रेंज मार्केट के पास है। जब तक इस रेंज से मार्केट निकलेगा नहीं बैंक निफ्टी, तब तक कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बन सकती इसमें। छोटा छोटा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो इसमें। तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है 48,000 के आसपास, तो हम लॉन्ग्स के पोजीशन बना सकते हैं, जो कि ऊपर की साइड में हमें 200 पॉइंट यहाँ से एक टारगेट दिख रहा है 48,000। अगर गैप अप ओपन होता है 48,000 तो 48,200 का एक टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये टारगेट हो सकता है फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो है 48,366 ये वाला मैंने मार्क किया हुआ है, इसको मैं आगे लेता हूँ। ये वाला हमारा सेकंड टारगेट होगा, और फर्दर जो टारगेट है 48,482 का, मैं इसको भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, 82 का ये वाला हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है। और अगर नीचे की साइड निफ्टी अगर इसको भी ट्रैक करेगा, बैंक निफ्टी को, तो शॉर्ट पोजीशन भी अगर देखेंगे तो ये वाला जो स्विंग लो लगाया है आज का, जो कि 47,563 का है, जो लो है, इसके नीचे हमारा शॉर्ट 550 का, सॉरी 550 के नीचे ही हमारा शॉर्ट का पोजीशन बनेगा। तो अगर नीचे निकलता है मार्केट तो फर्स्ट टारगेट ये 47,453 रहेगा, उसके बाद अगर नीचे आता है तो 47,230 का रहेगा ये वाला नीचे की साइड का टारगेट रहेगा, और जो फाइनल टारगेट रहेगा 47,000 या पकड़ के चलिए 47,000, ये जो है ये हमारा लास्ट टारगेट बैंक निफ्टी में होने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर मार्केट बेरिश होता है तो। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपनिंग देता है, तो उस हिसाब से हम लाइव मार्केट में भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना, थैंक यू।